ये साया आंखों से तो नहीं दिखा था हमें? हमें नहीं दिखा और कैमरा पे रिकॉर्ड हो गया, ये कैसे हो गया? ये देखा तुमने, मोनिश उस साय के साथ इशारे में बात कर रहा है। मतलब तुझम ठीक ही कह रहा है, मोनिश ने साय को अपना गुलाम बना के रखा है। इतने शक्तिशाली साय को गुलाम बना लिया है इसने। यही साया चाहिए था ना आपको कैमरा? ये तो सिर्फ उस शक्ति की परछाई है। मुझे वो शक्ति चाहिए जो इस काले साये के पीछे है। जाओ उस शक्ति तक पहुंचने की कोशिश करो। प्रभु क्या आप जानते कि हर्ष कहाँ है? नहीं मैं नहीं जानता वो कहाँ है। हम कब से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फोन ही नहीं लग रहा और गाड़ी भी वहीं की वहीं पड़ी हुई है। हर्ष के बारे में सोच कर अपना वक्त बर्बाद मत करो, उस शक्ति का पीछा करो। जाओ जाओ। हम हर्ष के बारे में भूल जाए? हाँ यामिनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। Yes, Isha darling, don't worry. मैं बस 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी। हाँ हाँ बाबा, मैं घर से निकल चुकी हूँ। तू पत्ते तो बांध दे। अच्छा सुन, टीना आई है क्या? टीना से कहना कि आज वो घर जल्दी नहीं जाएगी, चाहे उसकी सास कुछ भी बोले। और कौन कौन आया है खेलने? अच्छा अच्छा रूबीना से कहना कि तुम यहां क्या कर रहे हो? वाओ, तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी कुछ साल पहले थी। एक शादीशुदा आदमी को ऐसी बातें सिर्फ अपनी बीवी से करनी चाहिए। अपनी बीवी तो बनाना चाहता था मैं, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुम अभी नौकरी गवा चुके थे, शादी करके तो कहां रखते मुझे, क्या खिलाते? मैं या पुरानी घटिया यादें याद करने नहीं आया। तो फिर किस लिए आए हो? तुमने जो मेरे साथ किया उसका बदला लेने आया। बदला लेने? तुम क्या कह रहे हो? तुम मैं कुछ समझी
सेलिना, तुम आज जितनी खुशियां मनाना चाहती हो मना लो, जितना तुम जी भर के जीना चाहती हो जी लो तुम, क्योंकि अब तुम्हारे पास चंद घंटे बाकी जिंदा रहने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं पहले दिन में ही पीकर आ गई। मैं अपने पूरे होश में हूं, आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। और एक बात याद रखना, तुम्हारी मौत का कारण मैं हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं। मरेगी तू? हाँ तू मरेगी, तेरी मौत आ गई है, हाँ तू मरेगी। अब देखना, अब देखना आगे क्या होता है, मरेगी तू। मेरी सास ने बोला घर जल्दी आना, मैंने कहा आऊंगी आऊंगी, 6 बजे आऊंगी। सलीना चलना तेरी बारी है। I'm so sorry. सलीना कहाँ है तेरा ध्यान, तूने जोकर फेंक दिया। I'm so sorry यार, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है यार, मैं बाद में खेलूंगी। नहीं मरूंगी मैं, कौन मारेगा मुझे, तू मारेगा, तेरे मारने से मैं थोड़ी ना मरूंगी। अरे भगवान है क्या तू, तू कोई नहीं है, कोई नहीं है तू, मैं नहीं मरूंगी। सलीना क्या बहकी बहकी बातें कर रही है, चल इधर आके बैठ जा। चलो यकीन करो मैं सच कह रही हूँ, वो
वो मैगजीन ने मुझे मारा, वो लैब ने भी मुझे मारा। लैब कैसे मार सकता है? लगता है तुझे कुछ हो गया है। अरे यार मुझे कुछ नहीं हुआ यार, वो लैब ने मुझे मारा। देखो देखो वहाँ, देखो देखो वहाँ पर वो कहाँ गिरा है लैब। लगता है कोई पुराना दोस्त आ गया घर पर। रिकॉर्डिंग चेक। राघव कहीं आत्माएं ऐसी होती जो हमें दिखती पर कैमरा पर रखा नहीं होती, पर ये सांप किसके कैमरा पे दिखता है हमें नहीं दिखता। शायद मोनिश ही करवा रहा है ये सब उस आत्मा से। देखिए ना तो मुझे आप लोगों की कुछ बात समझ में आ रही है और ना ही मेरे पति घर पे हैं। प्लीज मगर हमें आपके पति से बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी भी क्या जरूरी बात है कि आप लोग कुछ और देर इंतजार नहीं कर सकते? कहीं किसी और की जान ना चली जाए इस बात का डर है हमें। क्या मतलब? पहले प्रतीक गया और अब सलीना। क्या क्या हुआ सलीना को? वही जो प्रतीक के साथ हुआ। वो भी उस बुरी आत्मा का शिकार बन चुकी है, मर चुकी है। सलीना, सलीना मर चुकी है। लेकिन इस सब से मोनिश का क्या मतलब है? मतलब है जब सलीना मरी तब मोनिश भी वहीं पे था। आखिर आप लोग हैं कौन और हमारी जिंदगी में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? न्यूज रिपोर्टर हैं हम। कल के अखबार में अगर आपके पति का नाम इन दो खून के साथ जुड़ गया तो? आप तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्या सबूत है आप लोगों के पास? सबूत चाहिए आपको?
ये देखो, ये काला काया देख रही है ना, पति के लाश के पास कैसे आपके पति इस साय को देखकर अपना सिर हिला रहे हैं। और ये देखिए, वही काला साय, ये सेलिना की लाश के पास। और कोई सबूत चाहिए आपको? देखिए ना, तो मैं इस काली साय के बारे में कुछ जानती हूँ और ना ही मेरे पति। और प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। Get out of here! कहीं ऐसा ना हो अंजलि जी, आप जिस काले सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उसका काला साया आप ही की जिंदगी में अंधेरा कर दे। मैं तो यहीं पर था। वो जर्नलिस्ट आ गए और उन्हें सब कुछ पता चल गया। घबराओ मत अंजलि, इन दोनों का तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा। मुश्किल से मैंने इसे ढूंढ के निकाला है। ये दोनों मेरे सपने नहीं तोड़ सकते। मेरी इच्छा पूरी होकर ही रहेगी। इन दोनों को रोकना ही होगा। इन दोनों को जाना ही होगा। इन दोनों की मौत होकर रहेगी। मेरी इच्छा पूरी करो, मेरी इच्छा पूरी करो, पूरी करो। ये काला साया तो टेप पर आ गया, पर पता नहीं हम वो शक्ति तक कैसे पहुंच पाएंगे जो दुर्जन को चाहिए। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो काला साया कहां से आता है, कहां पे जाता है। बस हमें इतना पता है कि वो लोगों की मौत लाता है और शायद मोनिश ने उसे अपना गुलाम बना के रखा है। पर कैसे? ये किसने मंगाई? मैंने। मोनिश, क्या हुआ? तुम दोनों मुझे देखकर इतने हैरान क्यों हो? क्या किसी का पीछा करना सिर्फ तुम दोनों को आता है? तो तुम हमारा पीछा कर रहे हो? हाँ, मैंने सोचा ये दोनों बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी कुछ इनकी मदद करूं। सुना है यहाँ की कॉफी बहुत ही अच्छी है। काम की बात करो। काम तो तुम्हें है ना मुझसे? तुम दोनों उस शक्ति को ढूंढ रहे हो? हाँ, कहाँ मिलेगी? वहीं पर जहाँ तुम दोनों मेरा पीछा करते करते पहुंच गए। वहां
जो कुछ भी मांगो, जो कुछ भी मांगो सब मिल जाता है। और तुमने क्या मांगा? सबसे पहले पैसा। और मुझे इतनी दौलत मिली कि कुछ दिनों में तो पैसे की शक्ल देखकर ही मैं बोर हो गया। और फिर मैंने मांगी मौत। प्रतीक और सलीना की मौत। उन दोनों से मेरी पुरानी दुश्मनी थी। और वो काला साया? वो तो तभी आता है जब किसी की मौत आने वाली होती है। पर तुम ये सब हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि वो काला साया फिर से आने वाला है ना। फिर से? हाँ। मैंने दो और लोगों की मौत मांगी है उस जगह पर जाकर। किसकी? तुम दोनों की। बहुत जल्द तुम दोनों की जिंदगी की आखिरी रात आने वाली है। और हाँ, थैंक्स फॉर द कॉफी। आप अब क्या करेंगे? अब तो बस एक ही रास्ता है, हमें कुछ भी करके उस जगह पे वापस जाना होगा। तुम तो वही हो जो उस दिन मोनिश के साथ बात कर रहे थे। मोनिश जो कुछ भी मांगता है उसे देने में तुम ही उसकी मदद करते हो ना? मैं किसी की मदद नहीं करता, सिर्फ रास्ता दिखाता हूं। तो फिर हमें रास्ता दिखाइए। मोनिश ने हमारी मौत मांगी है। एक बार जो मांग लिया उसे बदला नहीं जा सकता। मतलब अब हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है? नहीं। जब जब कोई कुछ मांगता है उसे उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है।
मोनिश भी चुकाएगा। नहीं मनीष, मुझे नहीं चाहिए। अंजलि, क्या हुआ? आखिर वो कौन सी बात है जो अंदर ही अंदर तुम्हें खाई जा रही है? मनीष, अगर वाकई वो खबर अखबार में छप गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। जो अंजाम प्रतीक और सलीना का हुआ, वही अंजाम इन दोनों का भी होगा। अंजलि, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम अंजलि के पास क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उन दोनों के पास होना चाहिए। मुनीश, ये तुम क्या कह रहे हो? और ये किससे तुम बात कर रहे हो? कौन है यहाँ पे? अंजलि, अंजलि वो नहीं, नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मनीष, क्या ऐसे नहीं होने दूंगा? क्या कर रहे हो? मनीष, नहीं लगता कि अब हम बच पाएंगे। लेकिन यार, कोई तो रास्ता होगा इस काले साए से बचने के लिए। कहाँ हो तुम? राघव, लगता है कोई आ गया। कहाँ हो? बोलो, कहाँ? बोलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहाँ हो? जल्दी बाहर निकलो, मैं कह रहा हूँ। कहाँ हो? कहाँ हो तुम? अरे अरे, बोलते क्यों नहीं हो? मुझे तुमसे कोई बात करनी है। अरे कहाँ गए? इसे अचानक क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो बहुत खुश हो रहा था, अरे मौत को लेकर। अरे कहाँ हो तुम? बाहर क्यों नहीं आते? मुझे तुमसे कोई बात करनी है। किस बारे में? दुआ के बारे में। कहो। मेरी दुआ क्यों नहीं मानी गई? मैंने तो उन दोनों की मौत मांगी थी, पर वो काला साया मेरी बीवी के ऊपर। मैंने तुमसे कहा था, हर दुआ की कीमत चुकानी पड़ती है। यही कीमत है तुम्हारी दुआ की। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मैं अपनी दुआ वापस ले लूंगा। दुआएं वापस नहीं ली जा सकती। मैं सिर्फ उनका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। मैं अपनी अंजलि की जिंदगी की दुआ मांगूंगा। ठीक है, लेकिन दुआ वापस लेने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है ये मैं भी नहीं जानता। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं अंजलि को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी करूंगा मैं। चलो पीछा करते हैं इसका। Thank you.
दोनों वापस लूंगा। अंजलि को मरने नहीं दूंगा, अंजलि को नहीं मरने दूंगा। प्लीज चले जाओ आप लोग यहां से।
क्या दिलासा दूंगी मैं? सच तो यही है ना कि इनके पति के लालच ने इनके पति को खा लिया। चलते हमें हर्ष को भी ढूंढना, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। हाँ क्या पता वो किस मुसीबत में फंसा है। चलो जिंदगी भर कोई जुदा नहीं कर सकता, पर हर दुआ की एक कीमत होती है अंजलि। ना जाने तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ जाए।